पिछली बारी जो डेली प्रो शो हुआ उस पर लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपको पता है कई लोगों का मानना है कि वो फिक्स था। अब गेस व्हाट, मुंबई प्रो शो। दोस्तों, चैंपियन एक बार बनना आसान है, लेकिन चैंपियन बने रहना या चैंपियन बार बार बनना। So what's up YouTube family, welcome back to the new video। तो भी आज भी मेरे पास काफी सारी अपडेट्स हैं फ्रॉम बॉडीबिल्डिंग इंडस्ट्री, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है अपने IHHF यानी कि अपने मुंबई प्रो शो की तरफ से। तो इनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि अपना मुंबई वाला प्रो शो भाई कन्फर्म हो चुका है कि वह होगा इस बार के 17, 18, 19 नवंबर को मुंबई में। इस शो से जो भी भाई क्वालिफायर होगा वो होगा भी अपने 2024 के ओलंपिया के लिए। और यह बात इस शो के प्रमोटर जो कि अपने मनीष गांधी जी, उन्होंने कन्फर्म की अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में। अपडेट को जानकर भाई काफी सारे इंडियन एथलीट ने भाई अनाउंस भी कर दिया कि भाई कम्पीट करेंगे इस बार के मुंबई वाले प्रो शो में। और भाई शो की जो हाइप होती है ना वो भाई कुछ अलग ही होती है। बाकी इसको लेकर आप सबके जो भी थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की आ रही है अपने IBB प्रो वीमो युवराज की तरफ से। तो भाई उनकी तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि कम्पीट करने वाले इस बार के दुबई वाले प्रो शो में, जो की भाई होने वाला अपने 4 हफ्तों के बाद दुबई में। उसके बाद ये कम्पीट करेंगे अपने टोक्यो प्रो शो में, जो की भाई होने वाला अपना जापान में। और फिर यह भी बताते हैं कि इस बार के मुंबई वाले प्रो शो में भी कम्पीट करेंगे, जो कि भाई होने वाला अपना नवंबर में। तो इस साल तो अपने विवो युवराज ने भाई काफी सारे भाई शो प्लान कर रखे हैं। और बात करें इनकी फिजिक की, तो भाई फिजिक पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव नजर आ रही है। बाकी भाई जो इनका परफॉर्मेंस है ना वो तो आपको 4 हफ्तों के बाद देखने को मिल ही जाएगा अपने दुबई वाले प्रो शो के अंदर। बाकी इनसे रिलेटेड आप सबके जो भी थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो की आ रही है अपने IBB प्रो सुपर सैम की तरफ से। तो भाई वो इनकी काफी समय के बाद अपडेट लेकर आ चुका हूँ सभी के लिए। तो ये ना हाल ही में अपने बैग का रिसेंट अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इनकी बैग काफी ज्यादा ह्यूज और काफी ज्यादा थिक नजर आ रही है। और अपने सुपर सैम भाई अपनी बैग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपने सुपर सैम भाई अपने मुंबई वाले प्रो शो में तो भाई बिल्कुल भी कम्पीट नहीं करने वाले, ऐसा उन्होंने अभी अपने लाइव वीडियो में बताया था। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अपने सुपर सैम भाई कम्पीट करेंगे इस बार के दुबई वाले प्रो शो में। बाकी इसको लेकर ना भाई मुझे मेरे पास अभी तक कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं है। बाकी इस चीज को लेकर आप सबके क्या थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो की आ रही है अपने IBB प्रो लवप्रीत सिंह की तरफ से। तो भाई इनकी तरफ से भी काफी समय के बाद अपडेट लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो ये भी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम शो में हमें बताते हैं कि ये भी कम्पीट करने वाले इस बार के मुंबई वाले प्रो शो में, जो की होने वाला है 17, 18, 19 नवंबर को मुंबई में। तो भाई सच्ची बताऊं तो इस बार के मुंबई वाले प्रो शो में ना भाई आप सबको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने मुंबई वाले प्रो शो के लिए। आप लोग भी एक्साइटेड हो अपने मुंबई वाले प्रो शो के लिए भाई कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है अपने नितिन चढ़ीला भाई की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में अपने साउथ एशियन चैंपियनशिप में अपने भाई सेकंड प्लेस सिक्योर की थी। तो भाई ये भी हाल ही में अपने एक रीसेंट फिजिक अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने नितिन चढ़ीला भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। कंडीशनिंग ऑन पॉइंट और काफी ज्यादा श्रेडेड नजर आ रहे हैं अपने नितिन चढ़ीला भाई। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है अपने नितिन चढ़ीला भाई ना जल्द ही कम्पीट करने वाले हैं किसी शो में। और इसको लेकर ना भाई अभी तक मेरे पास कम्प्लीट जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी ना वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो की आ रही है अपने तरुण गिल की ओर से। तो भी अपने तरुण गिल को जो पता चला कि इस बार भी मुंबई वाला प्रो शो होने वाला है, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यह भी देखेंगे कि अपने मुकेश गहलोत गुरु जी ने भी अपने चैंपियन को लेकर एक बहुत ही स्पेशल टिप दी। तो चलिए देख लेते हैं कि अपने तरुण गिल का क्या रिएक्शन था अपने मुंबई प्रो शो को लेकर। पिछली बार जो डेली प्रो शो हुआ उस पर लेकर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, आपको पता है कई लोगों का मानना है कि वो फिक्स था। अब गेस व्हाट, मुंबई प्रो शो की भी डेट अनाउंस हो गई कि भाई वो भी नवंबर में होना है। तो क्या इस बारी भी हमारे कैनेडियन बाबू भुवन जी आएंगे और जीत जाएंगे? आइए समझते हैं कि क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी मुंबई प्रो शो की। तो पहले समझते हैं जो ओलंपिया है वो हो रहा है 2 से 5 नवंबर को, और ये जो प्रो शो है ये है 17 से 19 नवंबर को। तो भुवन ये कोशिश करेंगे कि यार मैं अपनी पोजिशन, अपनी जो बॉडी है वो 10 दिन के लिए होल्ड कर लूं, होल्ड हो जाएगी, मैं सीधा आ जाऊंगा यहाँ पे खेलने के लिए मुंबई प्रो शो। बिकॉज उन्हें लगता है, भुवन चौहान को लगता है यार इजी क्वालिफिकेशन है ना। और इंडियंस को तो वैसे भी कुछ समझते ही नहीं लगता है यार, इंडियन मेरे आसपास आएगा भी कैसे यार, आज तक तो प्रो शो कोई जीता नहीं और मैं इतने प्रो शो जीता हूँ। तो उनके लिए बड़ा इजी गेम है राइट। और अगर वो जीत जाते हैं, जो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है वैसे बाय द वे, अगर वो ये जीत जाते हैं बिकॉज उनकी कॉम्पिटेंसी आपको पता है ना, वो फिक्स भी अच्छा कम्पीट भी अच्छा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो उनको एक लंबा ऑफ सीजन मिल जाएगा 1 साल का, क्योंकि अभी तक अगले ओलंपिया की डेट्स भी अनाउंस ही नहीं हुई है भाई।
इतना लंबे ऑफ सीजन पे, लेकिन देखो पोजीशन तो उनकी ओलंपिया में थर्ड कॉल आउट ही रहेगी, बट स्टिल लंबा टाइम तो मिल गया ना उन्हें यार, पोजीशन तो ही रहेगी उनकी ओलंपिया में, आपको भी पता है राइट। अगर वो हार जाते हैं, ये तो भी जीतने की पॉसिबिलिटी, अगर वो जीत गए तो क्या होगा, अगर वो हार जाते हैं जो हम सबको लग रहा है कि इस बारी वो हार सकते हैं, तो क्या होगा, मनोज, सिद्धांत, राहुल कोई भी उनको हरा देगा, उनकी ईगो बड़ी हर्ट हो जाएगी यार। और जब ईगो हर्ट हो जाएगी ना यार, आपको पता है यार, उनके तो दिमाग में आ जाएगा फिर, एक इंडियन ने मुझे कैसे हरा दिया यार। तो मेरी सजेशन भुवन चौहान को ये है कि भाई साहब आप डोंट शो अप, आप आओ ही मत यार, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप पिछली बार आए थे और जब आप गए थे सप्लीमेंट स्टोर ओपनिंग पे कॉन्टेस्ट जीतने के बाद, सिर्फ 3 से 4 लोग आपका शो देखने आए थे, ये मेरी ओपिनियन है राइट, एंड आई एम ओपिनियनेटेड टू से एनीथिंग आई वांट टू, सो आई डोंट थिंक यू शुड कम, मेरा मानना है। और इससे होगा कैसे, फायदा ये हो जाएगा कि दूसरे लड़कों को, पीपल लाइक सिद्धांत, पीपल लाइक मनोज पाटिल, पीपल लाइक राहुल, इन सबको फायदा हो जाएगा, ये भी ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको भी तो कंपनी मिल जाएगी ओलंपिया स्टेज पे। लेकिन हाँ, अगर आप ही नहीं चाहते कि यार कोई और आए और ओलंपिया में मेरे साथ खड़ा हो जाए, फिर तो ईगो में आपकी बात आ गई ना कि और कैसे आ गया खड़ा, मेरे अलावा और कोई कैसे हो सकता है ओलंपिया स्टेज पे खड़ा। तो भाई मेरा मानना है, मेरी सजेशन रहा है ये आपको, भुवन भैया इस साल मत आओ इंडिया या खेलने के लिए मुंबई प्रो शो। दोस्तों, चैंपियन एक बार बनना आसान है, लेकिन चैंपियन बने रहना या चैंपियन बार बार बनना बहुत टफ है। एक बार चैंपियन बनने के लिए तो आप कई रीजन हो सकते हैं, आपने हार्डवर्क किया ये भी हो सकता है, आपने हार्डवर्क किया लेकिन आपको कंपटीशन थोड़ा हल्का मिला ये भी हो सकता है, कोई रिजल्ट में ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत माइनस है तो ये भी हो सकता है, लेकिन बार बार चैंपियन बनने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, एक बार चैंपियन आप बन गए, गोल्ड मेडल आपने जीत लिया, उसके बाद सिल्वर मेडल आपको कभी खुशी नहीं देगा, आपको पहले से एफर्ट ज्यादा करते रहना पड़ेगा, जीत की खुशी आज सेलिब्रेट करें, आज जीते आज सेलिब्रेट करें, कल से दोबारा अपने टारगेट बनाई जाए, और हार का गम बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अपनी कमियों को एनालाइज जरूर करना है, आप खुद नहीं कर सकते, अपने कोच से पूछें, अच्छा कोच होगा तो उसको सिर्फ यही दिखेगा कि हम हमारे अंदर क्या कमी थी, किस वजह से हम लैक कर गए, उस पर काम करेगा नेक्स्ट ईयर और आप जरूर चैंपियन बनेंगे। तो ना तो जीत की खुशी बहुत लंबी बनानी है, ना हार का गम बनाना है, हमेशा अपना बेस्ट करते रहना, यही मैसेज, थैंक यू। तो भाई आज के लिए बस मेरे पास इतनी अपडेट्स थे, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम आपको अपनी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए।